हे गाइस, वेज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ दूध के पेड़े की रेसिपी। ये पेड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, मेरा तो एकदम फेवरेट है ये। तो आप भी इसे बनाइए, देखिए कितने यम्मी लग रहा है। तो इसे कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर के बराबर मिल्क लिया है। तो इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करते ही हमको इसे चलाते रहना। तो देखिए यहाँ पे बॉईल होना शुरू हो गया है मिल्क। हमें यहाँ मिल्क को एकदम अच्छे से तले से लगता हुआ चलाते रहना ताकि ये कहीं चिपके ना। देखिए यहाँ पे आधा मिल्क हो गया है, ठीक होना शुरू हो गया है मिल्क। तो हम इन्हें कंटिन्यू चलाते रहेंगे, हाथ हमारे रुकने नहीं चाहिए। तो आपको थोड़ा यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे शुगर। तो शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जैसा आपको पेड़ा मीठे या कम मीठे पसंद हो। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ठीक हो गया है मिल्क। हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो अच्छे से हमको फेंटते हुए इसको चलाना है और ऐड कर लेंगे हम इसमें इलायची पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिल्क अच्छे से थिक हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए इन्हें छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया। अब हम अपने हिसाब से जैसा हमको चाहिए छोटे बड़े पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। तो बस हमें इसी तरीके से सारे पेड़े बना के तैयार कर लेना है। आधे घंटे में आपके पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस रक्षाबंधन पे आप घर पे ही पेड़े बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। सबको आपके पेड़े बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो देखिए लग रहा है ना यम्मी। अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।